मध्य प्रदेश के खंडवा से भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का मंगलवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। नंद कुमार सिंह चौहान 68 वर्ष के थे। खंडवा के सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान पिछले करीब एक माह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से भोपाल के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोकसभा सांसद के निधन पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने लिखा, खंडवा से लोकसभा सांसद के निधन से दुखी हूँ। संसद की कार्यवाही व राज्य में पार्टी के सशक्तिकरण को लेकर किए गए प्रयासों में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनके परिजनों के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नंदू भैया नहीं रहे, मन व्यथित है। प्रदेश ने अपने अत्यंत लोकप्रिय नेता को खोया है। वो जनता के दिलों पर राज करते थे। दो बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 6 बार महामंत्री, अनेक पदों पर रहे। वो कुशल संगठक थे, वो लोकप्रिय जननेता थे, समाजसेवी थे, सफल प्रशासक थे। जनता दिलो जान से उन्हें प्यार करती थी। हमने प्रयास बहुत किए, लेकिन हर प्रयास विफल रहा, हम उन्हें बचा नहीं पाए। आज उनका पार्थिव शरीर पहले हम भोपाल लाएंगे प्रदेश कार्यालय में, चूंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। बाद में यहां से खंडवा हवाई पट्टी पर उतार के उन्हें उनके गांव साहपुर ले जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि बुरहानपुर जिले के शाहपुर में नंद कुमार सिंह चौहान का जन्म 8 सितंबर 1952 में हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के बाद उन्होंने राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना और भाजपा में शामिल हुए। नंद कुमार सिंह चौहान मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के थे। चौहान लोकसभा में 6ठी बार खंडवा से जीते थे। वे 2013 में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे। 2018 में उन्होंने अपना त्याग पत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से दे दिया, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें।